सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल और आप देख रहे हैं टेलीकॉम इन्फो यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसएनएल में सिम पोर्ट करने के बारे में। अगर आप भी कोई भी अदर ऑपरेटर जैसे कि एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, जियो या फिर किसी भी कंपनी के सिम यूज़ कर रहे हैं और आप लोग अपनी सिम को पोर्ट करवाना चाहते हैं बीएसएनएल में, क्योंकि दोस्तों बीएसएनएल की सिमें इस समय काफ़ी तेज़ी से सेल हो रही हैं। साथ ही दोस्तों बीएसएनएल ने कुछ शहरों में अपने 4G को लॉन्च कर दिया है और धीरे धीरे पूरे भारत में बीएसएनएल की तरफ से बीएसएनएल 4G लॉन्च कर दिया जाएगा। तो अगर आप भी अपनी सिम को बीएसएनएल में पोर्ट करवाना चाहते हैं और ऐसे में आपको नहीं पता कि आप किस तरह से करवा सकते हैं, सो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप लोग किस तरह से किसी भी अदर ऑपरेटर एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया के सिम को किस तरह से पोर्ट करवा सकते हैं बीएसएनएल में। और आप जब भी अपनी सिम को पोर्ट करवाएंगे बीएसएनएल में तो आपको बीएसएनएल की तरफ से कितना फ्री रिचार्ज मिलने वाला है, या फिर आप लोगों को अपनी बीएसएनएल में सिम को पोर्ट करवाने पर कितना चार्ज लगने वाला है, किस तरह से सिम को पोर्ट करवाना है, सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने टेलीकॉम इन्फो यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी बहुत सारी टेलीकॉम से जुड़ी वीडियोस मिलती रहती हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको किस तरह से किसी भी अदर ऑपरेटर जैसे कि एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया या फिर जियो की सिम को पोर्ट करवाना है बीएसएनएल में। तो अपनी सिम को पोर्ट करवाने के लिए बीएसएनएल में सबसे पहले तो आपकी उस सिम में, जिस भी सिम को आप पोर्ट करवाना चाहते हैं, उसमें एक रिचार्ज होना चाहिए और आपकी उस सिम में जो भी रिचार्ज है उसमें एसएमएस की भी सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि आपको उस सिम से एक एसएमएस को सेंड करना है। तो एसएमएस को आपको किस तरह से सेंड करना है, आपको उस एसएमएस में आपको टाइप करना है कैपिटल लेटर में PORT, उसके बाद स्पेस, और उसके बाद आपको यहां पर उस मोबाइल नंबर को टाइप कर देना है जिस भी मोबाइल नंबर को आप पोर्ट करवाना चाहते हैं बीएसएनएल की सिम में। इतना मैसेज टाइप करने के बाद आपको इस मैसेज को सेंड करना है 1900 यानी कि 1900 पर, और इस मैसेज को आपको उसी सिम से सेंड करना है जिस भी सिम को आप पोर्ट करवाना चाहते हैं बीएसएनएल में। जैसे ही आप लोग इस मैसेज को सेंड करेंगे तो आपको कंपनी की तरफ से यानी 1901 यानी 1901 कंपनी की तरफ से एक मैसेज रिसीव हो जाएगा जिसमें आपको एक यूनिक पोर्ट कोड मिल जाएगा। अब आपको इस यूनिक पोर्ट कोड को अपने फ़ोन में सेव करके रख लेना है या फिर आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दोस्तों इसके बाद अब आपने जो भी अपना यूनिक पोर्ट कोड निकलवाया है, इस यूनिक पोर्ट कोड को साथ में लेकर, साथ ही दोस्तों आपको अपना एक आईडी प्रूफ लेना है और आपके नियर में भी जो भी बीएसएनएल का ऑफिस है वहाँ पर आप जा सकते हैं, या फिर दोस्तों आपके नियर में जो भी बीएसएनएल की शॉप है जहाँ पर सिमों को सेल किया जाता है वहाँ पर आप जा सकते हैं। वहाँ पर आप इस यूनिक पोर्ट कोड को देकर अपनी सिम को बीएसएनएल में पोर्ट करा सकते हैं। और दोस्तों जो भी शॉपमैन रहेगा वो आपके सिम को आसानी से किसी भी अदर ऑपरेटर से आपके सिम को बीएसएनएल में पोर्ट कर देगा 5 मिनट के अंदर। लेकिन दोस्तों आपके सिम को पोर्ट होने में बीएसएनएल में करीब 3 से 4 दिनों का टाइम लग जाएगा। तो दोस्तों ये तो बात हो गई कि आप लोग किस तरह से किसी अदर ऑपरेटर के सिम को बीएसएनएल सिम में पोर्ट करा सकते हैं। चलिए आपको बता देते हैं कि आप जब भी अपने सिम को बीएसएनएल में पोर्ट कराएंगे तो आपको कितने रुपए का रिचार्ज प्लान मिलने वाला है। तो दोस्तों यहां पर जब भी आप अपनी सिम को बीएसएनएल में पोर्ट कराएंगे तो आपको बीएसएनएल कंपनी की तरफ से 249 रुपए का रिचार्ज प्लान मिलने वाला है। और दोस्तों जिस रिचार्ज प्लान में आपको 60 दिनों की वैलिडिटी मिलने वाली है, साथ ही दोस्तों इस रिचार्ज प्लान में आपको 2GB का डेटा पर डे मिलेगा, साथ ही आपको इस रिचार्ज प्लान में 100 SMS की सुविधा पर डे मिलने वाली है। दोस्तों इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आप जब भी किसी भी अदर ऑपरेटर के सिम को बीएसएनएल के सिम में पोर्ट कराएंगे तो आपको कितने रुपए का चार्ज लगने वाला है, कितने रुपए आपको अपने पास देने होंगे। तो दोस्तों यहां पर इन पैसे को कोई भी डिसाइड नहीं किया गया है, यानी कि कुछ एरियाज में देखा गया है कि कोई भी पर्सन अपनी सिम को बीएसएनएल में पोर्ट कराता है तो वहीं 60 से 70 रुपए उसे देने पड़ते हैं। वहीं दोस्तों अगर दूसरे एरिया की बात की जाए तो जो भी फर्स्ट FRC बीएसएनएल में डाली जाती है तो उतने पैसे चार्ज किए जा रहे हैं। वहीं पर दोस्तों कुछ ऐसे भी एरिया हैं जहां पर आप अपनी सिम को बीएसएनएल में पोर्ट करवाते हैं तो कोई भी पैसा नहीं लिया जा रहा है, बिल्कुल फ्री में बीएसएनएल में आपके सिम को पोर्ट किया जा रहा है और साथ ही आपको जो भी FRC मिलती है वो भी FRC आपको डालकर दी जाती है। सो दोस्तों इस तरह से आप अपनी किसी भी सिम को बीएसएनएल के सिम में पोर्ट करा सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को सभी जानकारी अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अभी भी आपके माइंड में कोई भी सवाल, क्वेश्चन टेलीकॉम से रिलेटेड, बीएसएनएल के सिम से रिलेटेड है तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी तरह से हेल्प करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आने वाली ऐसे ही किसी टेलीकॉम से जुड़ी वीडियोस के साथ।